दोस्तों पिछले दिनों से सलमान खान को धमकी देने का सिलसिला जारी है और सलमान खान को जान से मारने की बात कही जा रही है। तो इसी बीच सलमान खान ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी निकलवाई है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सलमान खान को 2017 से लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी देने का सिलसिला जारी है और लॉरेंस गैंग के द्वारा कहा जा रहा है कि सलमान खान को हम जरूर मारेंगे। दरअसल सलमान खान ने 1998 में जोधपुर में फिल्म शूटिंग के दौरान एक हिरण का शिकार कर दिया था, जिसके कारण बिश्नोई समाज सलमान खान से खुश नहीं है। यह केस 1998 से ही चलता आ रहा है, लेकिन 2017 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी, जिसके बाद से सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई शूटर्स भी आए थे, लेकिन वो सलमान खान को मारने में कामयाब नहीं हुए थे। और हाल ही पिछले दिनों यह सिलसिला दोबारा चालू हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू के दौरान भी सलमान खान को धमकी दी और पिछले दिनों ही सलमान खान को ईमेल के जरिए से मैसेज किया गया था, जिसमें सलमान खान को मारने की सीधी धमकी दी जा रही थी और इस मैसेज में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड का नाम था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। तो इन सब चीजों के बीच ही सलमान खान ने अपनी कार कलेक्शन में एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल कर ली है। सलमान ने निशान कंपनी की सबसे महंगी व्हाइट निशान पेट्रोल बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है और यह गाड़ी काफी लोकप्रिय और महंगी है। इस गाड़ी को विदेश से इम्पोर्ट किया गया है, क्योंकि ये इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार सलमान खान को भी अपनी जान का खतरा बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस गाड़ी को अपनी कार कलेक्शन में शामिल किया है। इस गाड़ी से उनकी काफी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो सलमान खान के द्वारा अपनी सिक्योरिटी टाइट करने को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।